आज टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन। तो इसका डिटेक्शन जो है हम वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक सोल्यूशन तैयार करते हैं जिसे हम लेसाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इसके लिए हम ये सोल्यूशन तैयार करेंगे पहले और फिर इसकी डिटेक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसका डायमीटर कम है, नैरो टेस्ट ट्यूब है, तो इसे हम फ्यूजन ट्यूब कहते हैं। इसमें हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालते हैं, फिर सोडियम मेटल का एक पीस हम इसमें डालते हैं, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके ऊपर भी डालते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसके दरमियान नाइट्रोजन मेटल सोडियम मेटल का एक पीस है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम इसे हीट देते हैं, तो जब हम इसे हीट दिया तो हम हीट इस वक्त तक देंगे जब तक ये रेड हॉट नहीं होता। तो हम इसे हीट देंगे हद तक कि ये ट्यूब जो है वो रेड हॉट हो जाता है। तो जब ये रेड हॉट होता है तो हम इसे चाइना डिश में कोल्ड पानी है, तो हम इसे चाइना डिश में डालते हैं। तो ये ग्लास है, तो हम जब हम इसको चाइना डिश में डालते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। फिर हम इसे दोबारा स्पिरिट लैम्प से हीट देंगे, तो इसको हीट बॉयल करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया है, तो इसमें सोडियम मेटल का एक पीस डाला है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहाँ पर हीट दिया है। तो हम हीट देते रहेंगे जब तक ये रेड हॉट ना हो। तो जब ये रेड हॉट होता है तो हमने इसे चाइना डिश में कोल्ड पानी नहीं था, तो हमने पानी में जब इसको डाला तो ये ब्रेक, इसका जो है टेस्ट ट्यूब ब्रेक हुआ है। तो फिर हम इसको दोबारा स्पिरिट लैम्प से हीट देंगे, तो इसे बॉयल करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। फिर जब ज़्यादा टाइम गुजरता है तो इसके बाद हम इसे फिल्टर करेंगे। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो इसमें ग्लास पार्टिकल वो हमने इससे निकाला है फिल्ट्रेशन से, और जो कुछ हमारे पास बचा है तो वो क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसाइन सॉल्यूशन है। तो हमने लेसाइन सॉल्यूशन को तैयार किया। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको तीन टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक नाइट्रोजन है, एक सल्फर और एक हैलोजन है। तो हम इससे थ्री टेस्ट ट्यूब बनाएंगे, थ्री पीसेस में डिवाइड करेंगे इस लेसाइन सॉल्यूशन को। तो इससे हम फिर एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसका डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन डिटेक्शन। तो हमने पहले जो लेसाइन सॉल्यूशन तैयार किया है वो हम लेंगे, फिर इसमें NaOH डालेंगे, यही अल्कली है। इसके बाद फेरस सल्फेट हमने इसके साथ कंबाइन किया है। तो लेसाइन सॉल्यूशन NaOH और फेरस सल्फेट जो है वो हमने कंबाइन किया है, और इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम इसे कूल करेंगे। तो ये हमने इसकी कूलिंग की है, तो कूलिंग के बाद हम इसे पेरक क्लोराइड इसमें डाला है, और पेरक क्लोराइड के साथ साथ हम HCl या H2SO4 एसिड जो है एक्सेस में ज़्यादा मकदार में इसमें डाला है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रीन या ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है, तो ग्रीन और ब्लू प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो पहले हमने लेसाइन सॉल्यूशन को जो इसको तैयार किया है, लेसाइन सॉल्यूशन को इसको NaOH के साथ कंबाइन किया, फिर फेरस सल्फेट के साथ
फिर हमने इसे बॉयल किया, बॉयल के बाद हम इसे कूल करते हैं, और कूलिंग के बाद हमने फिर एक क्लोराइड को इसमें डाला है और एक जो है सो HCl ऐसे जो है वो इस एक्सेस में डाला है। तो अगर हमारे पास ग्रीन हो या ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। अब सल्फर की डिटेक्शन है, तो सल्फर के लिए हमने जो लिसाइन सोल्यूशन तैयार किया है इसका दूसरा टेस्ट ट्यूब हम लेंगे। तो ये लिसाइन सोल्यूशन है हमारे पास, इसके बाद हमने लीड एसीटेट इसमें डाला है और एसीटिक एसिड। तो लिसाइन सोल्यूशन, लीड एसीटेट और एसीटिक एसिड को हमने कंबाइन किया है। तो ये अगर हमारे पास अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये सल्फर की कंफर्मेशन है। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट जो है वो हमारे पास PbS बना है, लेड सल्फाइड। तो ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है वो क्या है, असल में लेड सल्फाइड है, ये लेड सल्फाइड है। तो इसमें ये सल्फर मौजूद है, ये प्रेसिपिटेट जो है इसका कलर ब्लू होता है, PbS का कलर जो है वो ब्लैक होता है। और ये सल्फर जो है ये खास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लीड एसीटेट और इसमें जो है सल्फर मौजूद नहीं है, और यहाँ पर ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है जो कि PbS है। तो इसने ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाया है और इसमें सल्फर है। तो ये सल्फर कहाँ से आया है, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद था। लिसाइन सॉल्यूशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल से। तो ये इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें सल्फर था, तो इससे यहाँ पर PbS बने जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। तो सल्फर जो है, सल्फर की डिटेक्शन भी हमने यहाँ पर किया है।